तो दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट इस क्वार्टर में की गई है। 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं टाटा लाक्स में, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने टोटल इनकम जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 488 करोड़ के आसपास, पिछले साल 596 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू 546 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 8% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिला, ऑलमोस्ट 12% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया, 546 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 511 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू अभी आपको बेहतर देखने को मिला है। हालांकि साल साल गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन मार्केट के अनुमान से अभी भी बेहतर आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 385 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 408 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 419 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो खर्चे बहुत कम है इस क्वार्टर में, क्योंकि हालांकि मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस क्वार्टर में हुआ क्या है। देखिए इन्वेंट्री के नाम पे क्या हुआ था कंपनी को, चेंज इन इन्वेंट्री या वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये सो जो होता है इसमें कंपनी को पिछले साल 158 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। जी हाँ, 158 करोड़ का फ़ायदा हुआ था कंपनी को, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को 31 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है आपको थोड़ा सा हाई देखने को मिला है। क्योंकि यहीं पे अगर आप कैलकुलेट कर ले तो 180 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहीं पे निकल जाता है साल दर साल कंपनी के खर्चे को लेकर। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 94 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 149 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 114 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 22 से 23% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने, वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 21% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर यहाँ पे भी कंपनी का जैसे रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने मिला है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट भी आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने मिला, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 114 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया, जो कि मार्केट का अनुमान था मात्र 92 करोड़ के आसपास। जी हाँ, मात्र 92 करोड़, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखें तो मार्केट को पहले ही पता था कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों है उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से मार्केट का अनुमान कम था, और वहाँ देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी के नंबर बेहतर आपको देखने को मिले। EPS की बात करें पिछले क्वार्टर में 30 रुपये, पिछले साल 48 रुपये, अभी देखें तो 37 रुपये के आसपास है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर तो पॉजिटिव साइड पे ही आपको जाते हुए देखने को मिले। हालांकि ये इन्वेंट्री वाले सेगमेंट में कंपनी कुछ पैसे इस क्वार्टर में बचा लेती तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत बेहतरीन हो जाता, बहुत बेहतरीन, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता, लेकिन ओवरऑल अभी भी देखें तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाते हुए देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।